बहुत हल्के हाथ से इसे थोड़ा सा रफ करना। मैं हाफ फेस कर रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मैं टिश्यू, ड्राई टिश्यू कभी भी यूज मत करना बिकॉज ये बहुत ड्राई होता है, तो स्किन स्किन रफ होने का चांसेस है, तो बेटर है आप उसको स्प्रेड कर सकते कॉटन का जो भी पार्टिकल्स होगा ना वो स्टिक हो जाता है, जब आप मेकअप करोगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा कॉटन। बेटर है आप वेट वाइप्स रखो आपके पास में, या तो अगर आपके पास में वो भी ऑप्शन नहीं है तो जो आपका क्लाइंट है जैसे आप उनके घर पे जाके मेकअप कर रहे हो या कुछ, तो बेटर है आप जाके अपना फेस वॉश कर लो। थोड़ा सा स्पैचुला दे दे दो प्लीज, ये उनका फेस के ये नहीं आपका जो पिंपल्स का ये टोनर है, टोनर किंग्स वे कवर टिश्यू पे फेरे के फेस पे कभी भी टोनर किसी को मत लगाना, तो उनका अगर आईज खुला है तो आंख में जाएगा तो बर्न हो जाएगा, तो बेटर है कि आप टिश्यू में दो एंड टोनर से टी जोन पे, तो ये जोन पे क्यों आता है क्राइलैंड का, आता है वो है प्रोशी एंटीबायोटिक जेल है, किसी चीज से जैसे मैंने ब्रश क्लीन नहीं किया है, मैंने तुरंत इनके ऊपर यूज किया तो तुरंत किसकी स्किन ना सेंसिटिव होती है, तुरंत रैशेस आने लगते हैं। अगर आप फेस क्रीम यूज कर रहे हो तो उनको प्रोडक्ट से भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पिंपल्स नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने कुछ प्रोडक्ट यूज किया तो बोलते हैं आपका प्रोडक्ट यूज किया मुझे पिंपल्स आने लगे, तो इससे ये प्रॉब्लम नहीं है, इजीली अवेलेबल है कि ब्यूटी शॉप। नहीं नहीं, ये आपको कोई भी केमिस्ट में मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, मे बी 130 या 140 रुपीस का ये है, ठीक है। ये है फ्लैट ब्रश यूज करने, आप अपना फिंगर भी यूज कर सकते हो, बेटर है कि आप फ्लैट ब्रश यूज करो, ठीक है, क्योंकि आपका स्किन कैसा ना थोड़ा सा हॉट होता है एंड उनका स्किन अगर सेंसिटिव हुआ, अगर हमने टच किया तो उनको एलर्जी हुआ तो रेड रेड पैचेस आने लगे हैं, बेटर है आप फिंगर ब्रश यूज करो। ब्रश ऐसे लेके इस डायरेक्शन नीचे के डायरेक्शन, बिकॉज मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं ये ऐसे नहीं करूंगी क्योंकि इनके जो भी फेशियल हेयर होंगे ना फेशियल हेयर खड़े हो जाएंगे, तो आप ऐसे इसको फ्लैट करके यूज करोगे तो बेटर है। एंड प्रोशील ये जो फेस क्लीन है वो पूरे फेस पे आपको यूज करना है, फेस क्लीन जिस पार्ट में नहीं नहीं पूरा पूरे पार्ट में यूज, इससे आपको कुछ एलर्जी नहीं होगा, तो स्किन सेंसिटिव है इसके बाद। मॉइस्चराइजर में भी आपको तीन फॉर्म आते हैं, मॉइस्चराइजर में एक आपको आएगा क्रीम बेस, सेकेंड आएगा लोशन बेस एंड थर्ड आपको आएगा जेल बेस। एनी आइडिया कि क्रीम जेल लोशन हम किस लिए यूज करते हैं? क्रीम बेस हम किस लिए यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन है उनको ज्यादा
ऑयल का प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, तो तुरंत स्किन का अब्जॉर्ब हो जाएगा. और जो लोशन बेस है वो बहुत माइल्ड है, तो आप ऑयली स्किन को उसको यूज करते हो तो ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है और स्किन अब्जॉर्ब भी हो जाता है. इसमें जो सेंसिटिव जिसमें लिखा होगा ये यूज करते क्रीम बेस, बिकॉज ये हैवी तो इजीली ब्लेंड होता है. इसका सबसे मेन काम है कि आपका जो मेकअप आप यूज करते हो, अभी इनका ये स्किन ड्राई है, अगर मैं इसमें मेकअप लगाऊंगी सॉरी तो पील होने लगेगा, जल्दी ब्लेंड नहीं होगा. अगर मैं ये यूज करती हूँ तो मेकअप ब्लेंड करने में हेल्प करेगा. ठीक है, आपका ड्राई स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए ऑयली स्किन तो मैं इनके ऊपर अगर यूज करूंगी तो ये यूज कर सकती हूँ. सेंसिटिव स्किन को कुछ भी सूट नहीं होगा, कुछ भी करूंगी तो रैशेज आने लगेंगे, तो मुझे मेकअप के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. डॉक्टर का कहना है इसे आप इसको ऑल सेंसिटिव स्किन दिखा तो आप इसको ऑल स्किन पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, मैं भी लोशन बेस इनको यूज कर रही हूँ. लोशन बेस इज फॉर ऑल दिस एंड ये यूज करने का भी आपके पास में तीन तरीका है. या तो आप फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हो, फ्लैट ब्रश भी यूज करते हैं हैवी कवरेज या इनका बहुत ड्राई स्किन है उसके लिए यूज कर सकते हो. एंड जिसका ऑयली स्किन है, कम क्वांटिटी लगाना है आपको, तो आप ये बफर ब्रश यूज कर सकते हो. या बेटर है कि आप ये नहीं यूज कर रहे हो तो फिंगर यूज करो. ठीक है, अगर आप फ्लैट ब्रश यूज कर रहे हो तो इसको डैप करके ऐसा इस डायरेक्शन. ठीक है, एंड अगर आपको कम क्वांटिटी लगाना है जिसकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, उनको अगर आपने ज्यादा लोशन या ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाया तो क्या होगा, ऑयली और ज्यादा ऑयली होगा तो मेकअप करोगे तो पील होने लगेगा. उसके लिए आप ये यूज करो, इसमें ऐसे करके ले लो प्रोडक्ट ऐसे इस तरीके से, तो इससे आपका क्वांटिटी क्या होगा, कम क्वांटिटी लगेगा या फिर आपका फिंगर है, फिंगर पे आप ले लो प्राइमर हमको कहाँ पे लगाना चाहिए, मोस्टली टी जोन आप ऑल ओवर फेस पे यूज कर सकते हो. ठीक है, मोस्टली टी जोन, बिकॉज ऑयल हमको टी जोन पे ही नहीं, टी जोन पे ज्यादा होता है तो मेकअप निकलने के चांसेस कहाँ से, टी जोन पे ऑल ओवर फेस पे यूज कर सकते हो. प्राइमर के चार बेनिफिट है आपके, फर्स्ट वो आपका जो भी ओपन पोर्स लाइन रिंकल्स रहेगा उसको रिड्यूस करेगा मेकअप करते समय. सेकेंड ये वॉल बिटवीन स्किन मेकअप के लिए है. एंड थर्ड ये आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखेगा बिकॉज इट्स सिलिकॉन बेस्ड. एंड इसमें दो टाइप के आते हैं प्राइमर में भी, एक सिलिकॉन बेस एक नॉन सिलिकॉन बेस. नॉन सिलिकॉन बेस आपका कैसे रहेगा, वो आप नाइट में यूज कर सकते हो फॉर शाइन, बट वो आपको लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा. मैं सर अपने को दोगे क्या जो सिलिकॉन नॉन सिलिकॉन बेस प्राइमर देखो वहाँ पे इंडिमीटर लिखो ना, नहीं उसके बाद जो होता है हाँ इसको भी अगर आप ब्रश से यूज कर रहे हो लाइंस
उसको रिंग फिंगर में ले लो एंड उसको इस अपोजिट डायरेक्शन ऐसे एकदम लाइट रखो आपके हाथ को एंड जिनको यहाँ पे रहता है तो उसको वैसे जिग-ज़ैग मोशन फिजिकल ड्राई स्किन है तो आपने मॉइस्चराइजर यूज किया है स्टार्टर में से चार मैंने ये आपके लिए सब कोई ऑयली स्किन पे उसको आपको यूज करना है आप ड्राई स्किन पे नहीं यूज कर सकते आपका लाइंस एंड रिंकल्स जो भी है उसको रिड्यूस करेगा सिर्फ मेकअप पर्पस आपके जो लाइंस है ना वो थोड़े से कम हो जाएंगे जब मॉइस्चराइजर आप अप्लाई करते हो उससे पहले आप प्राइमर यूज करो अगर जिनको बहुत लाइंस है अंडर आई में यहाँ पे स्माइल लाइन जैसे होता है तो आप यहाँ पहले मॉइस्चराइजर से पहले अपोजिट डायरेक्शन में प्राइमर यूज करो फिर उसके ऊपर से आप मॉइस्चराइजर यूज करो ठीक है ये पहले तो आपका लाइन्स एंड रिंकल्स को रिड्यूस करेगा सेकेंड आपका मैंने बताया था कि आप क्या पोर्स पोर्स को तो उसने आपने सेकेंड ये आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखेगा बिकॉज इट्स स्लिम ऑन फेस एंड फोर्थ आपका ये वॉल बिटिंग मेकअप स्किन टू वॉल अरे तो यहाँ पे उनको फील मैंने हाफ फेस क्यों दिया अब यहाँ पे फील करो एंड ये स्किन का फील करो ये मेरा स्किन जब भी अभी रेडी है कि मैं इससे मेकअप कर सकती हूँ अगर मैं यहाँ पे मेकअप करूँ कुछ भी बेस लगाऊंगी तो फील होगा या तो बहुत ड्राई हो जिसका स्किन बहुत ड्राई मेकअप इतना ड्राई नहीं जिनका बहुत ड्राई होगा तो मेरा प्रोडक्ट बैठेगा अब मैंने अपना प्रिपरेशन कर लिया है तो मेरा प्रोडक्ट भी बैठेगा लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा एंड उनको स्किन में प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि रैशेज आने का या मुझे एलर्जी होगा इसके लिए कभी भी आप मेकअप करते हो तो सबसे पहले आपको स्किन प्रिपरेशन याद रखना फर्स्ट आपका हैंड सैनिटाइजर क्लेंजिंग मॉइस्चराइजर बस ये पांच चीजें जो आपको पहले मेकअप से पहले करना जिनको बहुत लाइन्स होते हैं ना जो उनके लिए वो भी आप एक दो बार प्रैक्टिस करते रहोगे बढ़ते रहोगे तो आपको आदत होगी हाँ लाइन से बहुत या कम लाइन से फिर जैसे विजिबल दिख रहा है लाइन हाँ अगर लाइन्स दिख रहे हैं तो आप कहीं पे भी आपको लाइन्स दिख रहे हैं तो आप उसको पहले प्राइमर लगाओ अपोजिट डायरेक्शन फिर आप उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाओ मतलब ये स्टेप के बाद हाँ डिसइंफेक्ट के बाद डिसइंफेक्ट के बाद फिर प्राइमर इन केस वो जो मेरी जो बोला हाँ लाइन मोस्टली मैच्योर स्किन जब हम करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है बहुत लाइंस होते हैं तब उनको अगर आप मॉइस्चराइजर से पहले प्राइमर करते हैं तो लास्ट में वापस से नहीं लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन जहाँ पे भी आपका लाइन